खुदानीसमसी के बाबरकत नाम में मेरी तरफ़ से तमाम सामेन नादरीन को बहुत बहुत सलाम खुदावनीय खुदावनीसमसी में मैं पूरा उम्मीद हूँ कि आप सब सेहतमंद तंदरुस्त और तोाना होंगे और आपके खानदानों में घरों में हर तरह से शांति और सलामती होगी और हमेशा इसी तरह रहे हमेशा की तरह बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चन एस्कटालोजी यानी मसीहीआरत जो मसीह अलहियात के जामे मजामीन में से एक मजमून है जिसमें हम जमान आखरत के तालुक से सीखते हैं जिसमें इंसान की मौत से लेकर आखरत हिसाब यीशु मसीह की आमद जैसे बड़े बड़े मजमून शामिल हैं किताब मुकदस के अंदर बहुत सारे अबवाब आयात और अल्फाज मौजूद हैं जो जमाना आखिरत से पर्दा हटाते हैं लेकिन वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मंतखब किया है ताकि जमाना आखरत के ताल्लुक़ से सीख सके तो नाजीन आपको याद होगा कि हमने मुकाशफा की किताब के पहले बाप की तमाम आयात को बड़ी तफसील के साथ सीखा और अब हम मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में से सीख रहे हैं इस बाब के अंदर उन सात कलिसों का हमें तस्करा मिल रहा है जो कि एशिया कुचक में मौजूद थी जिस ज़माना में यौना ने ये ख़त लिखा एशिया कुचक में सात कलशियाएँ मौजूद थी यानी क्लेशिया तो और भी थी, लेकिन इनको नुमाइंदगी दी गई और जो हमेशा हमें किसी न किसी क्लिसिया की तर्जमानी करती हुई दिखाई देंगी सो हमने बड़ी तफस के साथ मुकाशफा की किताब के दूसरे से अब तक इफ्सुस की कलसिया और सुमरना के कल्सिया के तल्ल से बड़ी तफसील से सीख लिया है और अब हम परगमन के कलिस के तल्ल से सीख रहे हैं और हमने अपने का पैगाम में सत्तरवीं आयते मुकदसा में से कुछ सीखा था तो आज फिर हम इस हवाले से सीखेंगे सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपके लिए आज फिर सत्रहवीं आयते मुकस्स पढूंगा, जो कुछ इस तरह से है तो इस जगह पे लिखा हुआ है जिसके कान हूँ वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है जो गालिबाए मैं उससे पुशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा खुदा के मुकदस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइश हो, आमीन दुआ मांगे कादर मतलिक खुदा मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि कोई शख्स अपने इलम सोच मंतक फलसफे और जोर से कभी भी तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता सिर्फ कुदस ही इस कलाम को बयान कर सकता है जिसने लिखवाया है इसलिए मुझे फजल दे, अनायत कर तर्स खा ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं। इसी तरह तमाम सुनने वालों को देखने वालों को तेरे कदूस साथों में देता हूं, ए खुदावन वो तेरे कलाम को सुने समझे और बरकत पाए ताकि अमल करें और ख़ुदाम खुदा तेरी बादशाही में दाखिल हों मसीह खुदाम के वसीले से आमीन तो नाजरीन मुकाशफा की किताब दूसरा बाप उसकी सतरवीं आयत मुकदसा हम देख रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह तरतीब के, के लिहाज से तीसरी क्लसिया बनती है और सतरवीं आयत में तीसरी क्लिसिया भी जो है इसका तस्करा जो है वो पाया तकमील तक पहुँचता है चूँकि सतरवीं आयत में मुझे चंद बड़ी ख़ास बातें जो हैं वो दिखाई देती हैं और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं हम सब इससे बखूबी आगाह हो जाएं तो लिखा है जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलिस से क्या फरमाता है तो बड़ी तफसील के साथ हमने सब का पैगाम में सुना कि किस तरह रुकद एक शख्सियत है और तसलीस का तीसरा अकनूम है और खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुकद का ये तीसरा अकनूम जिसका जोहर यानी कुवत एक जैसी है और ये तसलीस का तीसरा अकनूम रुदस जो है वो खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुकुदस की तरह है जिसे कम नहीं किया जा सकता और किसी तरीके से इसकी मौजूदगी और उसकी शख्सियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हमने सीखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूह फरमाता है तो मैंने बताया कि ये वही तसलसल में नज़र आता है कि अहद में खुदा बाप आ, के, बारे खुदा के बारे में लिखा है कि तब खुदा ख़ुदा ने फरमाया पर फिर सुमसी के बारे में लिखा है कि सुमसी ने कहा और फिर यहाँ पर हम पढ़ते हैं मुकाशफा की किताब के अंदर बार बार रुकद यूँ फरमाता है कुछ लोगों ने कभी कभी ये नतीजा भी निकाला अगरचे वो तसलीस फिल तो के अकीदे पर इमां रखते हैं लेकिन कुछ ने यह भी कहा जी जो पहला ज़माना था वो बाप का ज़माना था और जो दूसरा ज़माना है वो बेटे का ज़माना है और तीसरा जो जो ज़माना है वकुदस का है ऐसा नहीं है ज़माना कोई भी हो खुदा आ, खुदा बाप खुदा बेटा खुदुदस यानी तसलीस फिल तो ये नाकबिल तकसीम है वो हमेशा से हैं हमेशा रहेंगे हमेशा यकसा और यकता है और कभी उन्हें किसी भी तरह से तकसीम नहीं किया जा सकता तो हमने तफसील के साथ इस अकीदे के ताल्लुक़ से सीखा था तो हमने फिर सीखा कि यहाँ पर रुकदस हमें ये एक ऑफ़र दे रहा है और यहाँ पे हम एक पेशकश हो रही है यानी गुमन के कलशिया के लिए जो पेशकश हो रही है वो हमारे लिए भी है तो प्रगुमन के कलशिया को बताया जा रहा है कि अगर वो बलाम की तालीमात से इनकार करते हैं और निकली की तालीम से इनकार करते हैं बुतों की कुर्बानियां खाने से इनकार करते हैं गलत तालीमात से बाज आते हैं गलत अकायद को छोड़ देते हैं और तोबा कर लेते हैं तो रुक कहता है कि मैं पुशीदा मन में शूँगा और मैंने तफसील के साथ बताया था कि ये मन क्या है और पुशीदा मन क्या है और आज हम एक और बात पर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे जब हम यौना की अंजील का मुताला करते हैं तो इसके छठे बाप के अंदर हमें यीशु मसीह और यहूदी आवाम लोगों और कुछ उस्तादों का भी अब कह सकते हैं जो कम अज़ कम अपने मज़ब की होनो रखते थे जान पहचान रखते थे मज़हब के बारे में मालूम रखते थे तो हमें वहाँ पे कुछ मसीह के साथ उन लोगों का उलझाव सा दिखाई देता है बैस मुबासा दिखाई देता है कुछ मकाम पर आकर वो युसी के ताबे हो जाते हैं कुछ बातों में वो यमसी को जैसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो सारा बाप तो ज़ाहिर है मैं नहीं पढ़ सकता उसके कुछ जो बयानात हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और मैंने पूरा बाब रेफर कर दिया है आप उसे तफसील के साथ पढ़ सकते हैं हमें वहाँ पर नज़र आता है कि यूसुमसी ने एक बड़ा बहुत बड़ा मज़ा किया यानी पांच रोटियों और दो मछलियों का बड़ा मजजा जो आज तक हमारे लिए बड़ा ईमान अफसोस मजजा है जिससे यसुमसी ने ये भी साबित किया कि वही परवरदिगार है वही खालिक है ये वही है जो उन्हें बियाबान में मान देता रहा तो अगर वो रूहानी निगाहें रखते होते तो कभी भी इनकार ना करते कभी उल्टे ना लौटते और कभी उसकी ज़ात का इनकार करके वापस ना जाते हम मजबी जुनून कभी कभी इंसान के दिल और दिमाग पे इस कदर असर पजीर हो जाता है कि जब उसके सामने सच्चाई मुजस्मों को आ जाती है तो वो जानने से इनकार कर देता है तो वहां पे कुछ हमें इस तरह की कहानी दिखाई देती है उस मोज़े के बाद वो यसुमसी को बादशाह बनाना चाहते थे तहम यसुमसी उनसे बच कर चले गए और किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं और वहां पे फिर दूसरे दिन वही लोग पहुँच जाते हैं तो यसुमशी उन्हें बताते हैं कि फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो वो बड़ी तगोदो से ऐसा करके वहाँ पर पहुंचे थे तो मुख्तर यानी इकतेसार के साथ ये बता रहा हूं हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि ये सुनशी उन्हें बताते हैं कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं और जो वो इसमें से खाएगा अब तक ना मरेगा तो वहां पे वो गोया चिड़ से जाते हैं और मजबीत तासब और मजहबी फोकियत उनके जहन में उभरना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि हम वो लोग हैं वो नस्ल हैं उस मजहब के साथ हमारा ताल्लुक है रिश्ता है नाता है जिन्होंने आसमान से बरसता हुआ मन खाया तो ये सुनसी जवाब देते हैं कि तुम्हारे बाप दादा ने वो मन खाया और बियाबान में ढेर हो गए मर गए लेकिन जो कोई इसमें से खाएगा जो मैं दूंगा तो वो ना मरेगा यानी और तफसीर के साथ आप पढ़ें तो असल में ये इशारा उसने अपने बदन की तरफ किया था तो जाहिर है कि जिस्मानी तौर तो पर जिस्म खाने का तो तस्कर नहीं किया गया तो हमें नजर आता है कि मन और रोटी और खाना हकीकतन यहन्ना की अंजील में यह सुनसी ने अपनी शख्सियत की तरफ इशारा किया और यहाँ पे रुल रदस कह रहा है कि वो पुशीदा मन मैं दूंगा अगर हम तस्कर करें उस पुशीदा मन का जो यहूदियों को मिला था जो अहद किस लुक में रखा गया तो गालबन छठी सदी में जब नबोक्तर नजर ने म पे हमला किया हैकल को तोड़ दिया तो हमें मालूम होता है कि अहद का संदूक जो है वो गायब हो गया कोई नहीं जानता कि अहद का संदूक कहाँ है अगरचे बहुत सारी क्या की जा रही है हम वसूख के साथ दलाल के साथ कोई भी नहीं बता सकता कि आज अहद का संदूक कहां पड़ा हुआ है और वो मन किधर है तो इसका साफ मतलब ये पता चलता है कि जब प्रगमन की कलसिया को रुदस ऑफर करा रहा है पुशीदा मन की तो वो अहद के संदूक की बात नहीं कर रहा वो उस मर्तबान की बात नहीं कर रहा वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा जो आसमान से बियाबान में बरसी थी तो यहां पर जो है वो इशारा जो का है वो यीशु की जलाली शख्सियत की तरफ है यीशु मसीह के बदन की तरफ है यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ है उसकी शख्सियत की तरफ है तो क्या हमें यीशु की वो बात याद आती है को मैं जा रहा हूं और मेरे बाद रुल कुदस आएगा और वहां यह भी लिखा हुआ है कि वो मेरा जलाल जाहिर करेगा अगर आप योन्ना की अंजील पढ़ें उसका चौदवा और पंद्रवं बाप पढ़ें तो वहाँ आप युमशी ने रहुलुदस के जहूर का उसके आने का बड़ी तफसील के साथ गलबन इन्हीं अब के अंदर तस्का किया हुआ है कि जब रहुलुदस आएगा तो तुम्हें वो नई बातें भी बताएगा यानी मुकाशफा अता करेगा फिर वो मेरा जलाल ज़ाहर करेगा तो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि यसुन सी यहाँ पर प्रगमन की कलिसिया को बजाते खुद खड़े होकर वो अपने जिस्म की अपने बदन की ऑफर नहीं करा रहे पेशकश नहीं करा रहे यहाँ पर रुकुदस जिस पुशीदा मन का तस्का कर रहा है रुकुदस वो यीशु की जलाली शख्सियत है तो क्या इससे हमारे इस अक़ीदे पे कोई असर पड़ रहा है क्या इससे हमारा अकीदा तसलीस फिल तो ही जो है वो ठोकर खाता है कि क्या रोलकुद यसुमशी के बदन को ऑफर करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई फ़र्क नहीं पड़ता यशुमशी ने कहा कि वो मेरे बारे बताएगा मेरी तालीम देगा तुम्हें नई खबरें बताएगा मुकाशफात खोलेगा तो परगमन की कल्स को यशमशी कहता है कि वो जो संदूक में पोशीदा मन था वो तो एक अक्स था जैसे कि इब्रानियों के ख़त के दसवें बाप के अंदर लिखा है कि पुराने ऐद के अंदर संदूक हैकल खैमे, पर्दे, कुर्बानियाँ बकरे बछड़े राख खाक सारा कुछ वो अक्स था नकलें थी सारी असल तालीम असल चीजें मसीह यस्सु की हैं तुरकुद यहां पे जैन असल जो हकीकता है वो यस्ू है जो हकीकी मन है वो यसु है और यसु ने ठीक कहा कि यहूदियों ने जो मन खाया वो मर गए हालांकि तो फितरी सी बात थी कि जो आसमान से मन बरसाया जा रहा था वो भी को अब भी जिंदगी के लिए नहीं बरसाया जा रहा था लेकिन एक मिसाल दी गई है हमारे यसुम सी ये सिखाया करते थे उनका एक मेथड था एक तरीकाकार था कि वो नाउन से अन नाउन की तरफ जाते थे जानी हुई बात से अनजाने की तरफ जाते थे वो यहूदियों को मिसाल दे रहे थे कि जो जिन बातों का तलुक़ जिसम के साथ है वो जिसम के साथ ही मिट जाती है लेकिन अब जब मैं आया हूँ तो मेरी तालीम मेरी बातें मेरी पैरवी मेरा कलाम मेरा मानना मेरे पीछे चलना मुझ पर ईमान लाने के बाद इंसान अब तक कभी ना मरेगा और यहां पे हमें दोहराई नजर आ रही है कुदस गोया योहन्ना की अंजील की उसी तालीम को प्रगमन कलिसिया के सामने दोहरा रहा है कि मैं तुम्हें पुशीदा मन में से दूंगा तो नाजिन ये पुशीदा मन हम दो तरह से, से जान सकते हैं पहला ये कि ये वही बदन है जिसके बारे में यूसमसी ने अपने आखिरी खाने में इस शरबानी में कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है ये मेरा खून है शीरे के तालुक से यूसमसी ने अपने खून का तस्कर किया और प्रियसमशी ने कहा कि इसी में हमेशा की जिंदगी है यही अवधि जिंदगी है जो इसमें से खाता है या पीता है अब तक ना मरेगा तो जाहिर हम बखूबी जानते हैं कि ये कुछ जिसम की बात नहीं हुई कोई ठोकर खाने वाली बात नहीं है कि ये यशुमशी का बदना तो हम गोश्त खा रहे हैं असल में ये गहरे ईमान की बात है उस काम पर लाने की बात है तो पहला तो हमें जो तासर मिलता है या पहली तालीम हमें मिलती ये है कि कुद्दस आज हमें ये सुम की कफारा बख्श मौत उसके खून के सबब से नई जिंदगी अता करता है उसकी तालीम देता है उसके बारे में सिखाता है खादमों को कलेसों को लोगों को उस्तादों को चरवाहों को और आम लोगों को को एड्रेस को बताता है सिखाता है कि अबदी जिंदगी अबदी हयात सिर्फ उसी मन में उसी बदन में है यानी यसु नासरी में है फिर जो दूसरा हिस्सा में दिखाई देता है वो यसु के साथ खुदा बाप के साथ रुदस के साथ गहरी रिफाकत है यानी पुशीदा मन का दूसरा जो मतलब है वो ये लिया जा सकता है कि खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रु... कुदस के साथ गहरी रिफाकत खुदा कुदस के साथ गहरी शराकत जैसे खुदा बाप खुदा बेटा खुदा कुदस आपस में हैं ना नाकबले तकसीम है कुदस कहता है कि ए परगमन के लोगों अगर हरामकारी की कुर्बानियों से बाज आ जाओ बुतों की कुर्बानियों से बाज आ जाओ नाराजगी से बाज आ जाओ और तोबा कर लो तो मैं तुम्हें पोशीदा मन में से यानी खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुकुदस में शरीक कर दूंगा अपनी इरफाकत में ले लूंगा और यीशु का वो कौल हमें याद आता है ऐ बाप मैं दुआ करता हूं जैसे तू और मैं एक है वैसे ही ये एक हो जाए हमारे साथ एक हो जाए तो याद रखिए रुकुदस पशीदा मां जिसे कह रहा है वो यीशु के साथ गहरी रिफाकत है जैसे पलूस यीशु के साथ रिफाक़त रखता था पलूस के जितने भी खतूत हैं कुछ लोग तेरह कहते हैं कुछ चौदह कहते हैं यानी इब्रानी के खात के ताल्लुक़ से ये बहस वबासा होता रहता है अगर वो शामिल कर लिया जाए तो चौदह खतूत के अंदर पलूस की जो तहरीरें हैं वो कोई अफसाने नहीं हैं बल्कि उसका दिल धड़क रहा है यीशु मेरी जिंदगी है और मैं यीशु के सिवा कुछ नहीं हूं और क्रंथियों के खत के बारहवें बाप के अंदर याद रखिए जब हम पढ़ते हैं तो उसकी दूसरी आयत में वो एक तस्का करता है कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो चौदह वर्ष पहले यका यक्ति तीसरे आसमान पर उठाया गया नहीं जानता बदन के साथ या बदन के बगैर खुदा बाप खुदा बेटे खुदा कुदस के साथ ऐसी रिफाकत रखी ऐसी बातें की जो इंसान को बताने रवा नहीं है लेकिन वो कैसे ऐसे मकाम तक पहुँचा ज़रा फिलिपियो का ख़त पहला बाप उसकी बाईसवीं आय पढ़ कर देखें उसने ही ये बात कही थी कि मेरा जी चाहता है कूच करके मसीह के पास चला जाऊँ फिर वो कहता है कि जीना मसीह और मरना नफ़ा है भाई जिसका जीना मसीह हो जाए तो ज़ाहिर है वो पोशीदा मन उसने खा लिया और फिर वही तीसरे आसमान तक जा सकता है खुदा बाप खुदा बेटे कुदस और पोशीदा मन को वही खा सकता है जिसकी रफाकत पलू जैसी हो पिछली सदी में एक बड़ी अहम शख्सियत गुजरी है अगर आप कभी लाइब्रेरी में जाएँ तो साधु सुंदर स्वामी जी का पूरा सेट मांगे, उसकी हालात ज़िंदगी पढ़ें फिर उसकी किताब पढ़ें मकतब अलमसी जिसमें वो यसु मसी को रूहानी आंखों से देखता है यसु मसीह उससे कन्वर्सेशन करते हैं गुफ्तु -गु करते हैं साधु सुंदर स्वामी ने यसु के हाथों से खाने खाए हैं और वो यसु के साथ रहता चलता फिरता सोता खाता पीता था वो करोड़ोंपति था लेकिन यीशु की खातर वो वक्ताया एक चोगा पहने रख रक, रखता था नंगे पाँव फिरता था ऐसी फेलोशिप, ऐसी रफाकत तारीख में नहीं मिलती से पुशीदा मन में से दिया करता था पहले अबदी जिंदगी दी और बाद में गहरी रफाकत दी तो अगर हम बाज़ आ जाएँ गलत तालीमों से गलत ज़िंदगी से नाराजगी से नापाकी से गाली गलोज से हरामकारी से झूठे उस्तादों से तो तोबा कर लें तो रुकदस पोशीदा मन देगा यानी खुदा बाप खुदा बेटे रुकुदस में हमें गहरी रफाकत मिलेगी हम अजली तो नहीं हो सकते जैसे खुदा अजली है लेकिन खुदा बाप में मिलकर अबदी हो सकते हैं अगर उसके पोशीदा मन में सिखा लें तो रुकदस देगा और मन खाने के बाद हम फिर अब तक कभी ना मरेंगे तो नाजिन हम आगे सीखेंगे कि के केरोलकुदस ने ये भी वादा किया है कि प्रगमन के कलिशा को तोबा की शुरु में सफ़ेद पत्थर दिया जाएगा ये सफ़ेद पत्थर क्या है जिस पर एक नाम लिखा होगा ये एक नाम क्या है ये सारा कुछ जानने के लिए देखते रहिए पी एम आई टी वी खुदा हम आप सबको बहुत सारी बरकत दे